इस वक्त मैं दो मशीनों का इन्वेंटर हूँ, एक का नाम है कीबोर्ड फॉर ब्लाइंड पीपल और दूसरी आपके सामने है, दिस कॉल्ड ऑटो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये एक ऐसा जनरेटर है जो कि बिना किसी तेल के काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरे जनरेटर्स की बात करें जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, उनमें तेल लगता है, उनमें आपको मोबिल लाना पड़ेगा, ये पेट्रोल लाना पड़ेगा, मगर ये एक ऐसा वाहिद जनरेटर है जिसमें आपको कोई तेल डालना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें एक गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं एज इनपुट, वो कन्वर्ट होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसके बाद में वापस उसी फॉर्म में आ जाती है और ड्यूरिंग दिस साइकिल एनर्जी 4 times इंक्रीज होती है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल के दौरान हम आपसे मिलते हैं और बातें करते हैं। मैं इनको रेगुलरली अपनी रोजगार के बारे में बताता था। इसकी इनोवेशन मतलब ये इतना हार्ड वर्क किया है ना, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा इसे, बट इवन इसे कभी बोला नहीं, बट मैंने हमेशा प्रे किया है इसके लिए, एंड वो फर्स्ट टाइम किसी के लिए जरूरत आई। मैं इसको एक बड़ी स्केल पे बनाना चाहता था ताकि ये पूरे हाउस होल्ड का लोड जो है उठा सके, इसीलिए मैं मेरा प्लान था कि मैं इसको घर के बाहर बनाऊंगा, एक बड़े एरिया में बनाऊंगा, लाइक अपने घर के सामने, ताकि ये मेरे घर का पूरा लोड उठा सके और मैं इसका अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूँ। लेकिन क्या करें, मेरे फादर जो है उनकी उतनी आमदनी नहीं है, वी आर रियली फाइनेंशियली बैकवर्ड, तो मैं ये नहीं कर सकता, फिर मजबूर मुझे एक छोटा मॉडल तैयार करना पड़ा इसका। फाइनेंशियली हमें प्रॉब्लम है, अगर इसको थोड़ा भी सपोर्ट मिले गवर्नमेंट की तरफ से तो ये आगे जा सकता है और कश्मीर का, पूरे हिंदुस्तान का माँ बाप का रोशन करेगा ना।